अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए इवनिंग स्नैक्स से रिलेटेड न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज की रेसिपी ब्लॉग में है आलू के समोसे। वैसे आलू के समोसे तो सबको ही पसंद होते हैं और मुझे भी बहुत ही पसंद है। ये हमने इवनिंग स्नैक्स में बनाए थे क्योंकि ये इवनिंग स्नैक्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर इवनिंग स्नैक्स में ही बना कर ट्राई कीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी। तो चलिए फिर रेसिपी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रेसिपी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग से मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह मेरी मामा के स्टाइल से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के समोसे, बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, उम्मीद है आप सबको भी बहुत ही पसंद होंगे। तो चलिए फिर आप भी ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। तो चलिए आज फिर बनाना शुरू करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो हमने ये मैदा लिया है 1 कप, और आलू को पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। ये 1/2 किलो आलू हैं। और 1/2 किलो आलू लेने के बाद हम आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो ये ज़ीरा लिया है हमने, और ज़ीरा लेने के बाद ये हमने धनिया लिया है, और धनिया 1 चम्मच है, ज़ीरा 1/2 चम्मच है, और ये कसूरी मेथी है 1/2 चम्मच, और इसको मैंने धो के रख लिया है। और उसके बाद ये कुटी हुई मिर्च आ जाती है 1 चम्मच, हल्दी ली है मैंने 1/4 चम्मच, और पिसी मिर्च ली है 1/2 चम्मच, और उसके बाद ये नमक लिया है मैंने 1/2 चम्मच, और ये मैंने आटा गूंदने के लिए अजवाइन ली है 2 चुटकी, और जो है ये 1/4 चम्मच नमक लिया है मैंने आटा गूंदने के लिए। यहाँ मैंने प्याज ली है 2 अदद, और उसको बारीक चॉप कर लिया था। और यहाँ मैंने 1 चम्मच के अनारदाने लिए, सूखा अनारदाना मैंने धो के रखा है ये 1 चम्मच। यहाँ मैंने 1/2 लीमू लिया है, और थोड़ा सा धनिया लिया है, और पुदीना लिया है, और 2 अदद हरी मिर्ची ली है, उसको कट कर लिया है। चलिए तो फिर देरी किस बात की, बनाना शुरू करते हैं हम समोसों की डो को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 कप मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अजवाइन ऐड कर देंगे, और अजवाइन ऐड करने के बाद हम टेस्ट सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर ही दिए, तो अब हम इसको 1/2 कप ऑफ वाटर से सॉफ्ट सॉफ्ट गूंद लेके। तो चलिए फिर गूंदना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी डो काफ़ी इसी तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट सी गूंद चुकी है। तो यहाँ पे हमारी समोसों की डो काफ़ी इसी तरीके से रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं समोसों की फिलिंग रेडी करने की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने पोटैटोस पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं, तो अब हम इसको स्पून की हेल्प से काफ़ी अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अनियन ऐड करेंगे जो हमने पहले से चॉप करके रखी हुई है, और फिर इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। अनियन को सौते करने के बाद हम इसके अंदर पोटैटोज ऐड कर देंगे, और पोटैटोज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मिंट एंड कोरिएंडर के लीव्स ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। तो चलिए फिर भुनाई करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे समोसों की फिलिंग रेडी हो गई है, और हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। तो देखिए समोसों की फिलिंग इतनी यमी लग रही है, तो सोचिए समोसे कितने यमी बनेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, हमारे दोनों मटेरियल रेडी हो गए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो लेंगे, डो लेने के बाद उसको थोड़ा सा रोल करेंगे, और रोल करने के बाद हम उसके बाद हम नाइफ की हेल्प से इसके नॉर्मल साइज के पेड़े कट कर लेंगे। चलिए फिर कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए आफ्टर ऑल हमारे पेड़ों की कटिंग हो गई। तब हम एक पेड़ा लेंगे, उसको हैंड की हेल्प से राउंड घुमा के सर्कल शेप में ले आएंगे। इसी तरीके से हम तमाम पेड़ों को 1 बाय 1 रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने तमाम पेड़ों को रेडी कर लिए। तो अब हम एक रोलिंग पिन लेंगे, और रोलिंग पिन से इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो चलिए फिर रोटी की तरह बेलना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से बेल लिया है। तो बेलने के बाद हम एक नाइफ लेंगे, और नाइफ की हेल्प से हम इसको सेंटर के अंदर से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। इसी तरीके से हम अपनी तमाम रोटियों को रेडी करके उसको सेंटर में से कट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी सारी रेडी कर ली हैं। तो अब हम समोसा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट साइड से फोल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से फोल्ड करेंगे, और फिर इसको हम कोन शेप में ले आएंगे। और कोन शेप में लाने के बाद हम इसको हैंड की हेल्प से सेंटर पार्ट इसका ओपन कर लेंगे, और सेंटर पार्ट ओपन करने के बाद हम इसके अंदर इसकी फिलिंग ऐड करेंगे जो हमने पहले से रेडी करके रखी हुई थी। तो चलिए अब हम फिलिंग ऐड करना शुरू करते हैं।
फिलिंग ऐड करने के बाद हम समोसे के साइड कॉर्नर्स को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ऑयल में जाने के बाद हमारी फिलिंग जो है वो समोसे के बाहर ना आए। तो देखिए इसका शेप बिल्कुल बाहर जैसा आया और ये काफ़ी यमी लग रहे हैं। बस जल्दी से ये फ्राई हो जाए और फिर उसके बाद मैं इसका टेस्ट आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने। तो इसी तरीके से हमने वन बाय वन कर 4 समोसे रेडी कर लिए, तो अब हम इसी तरीके से और भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए आफ्टर हमारे तमाम समोसे रेडी हो गए और इनका शेप काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल बाहर जैसा शेप आया, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर अब हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम ऑयल को थोड़ा गर्म होने रख देंगे। तो अब हमें चेक करने के हमारा ऑयल गर्म हो गया या फिर नहीं, तब हम इसके अंदर स्मॉल सा पीस ऐड करेंगे आटे का। और तो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसको बाहर निकाल देंगे और इसके अंदर समोसा ऐड करना शुरू कर देंगे। और समोसा ऐड करने के बाद हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चलिए अब मैं तमाम समोसों को फ्राई करने के बाद मिलती हूँ आपसे। सो फाइनली हमारे समोसे रेडी हो गए, तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और डिश आउट करने के बाद इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए बाहर से ज़्यादा अच्छे घर में समोसा रेडी हो जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर घर में ट्राई किया करें और हेल्दी हेल्दी फूड एंजॉय किया करें। तो हमने समोसों को खट्टी मीठी इमली की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया था। तो देखिए इसका फाइनल लुक भी काफ़ी अच्छा आया, तो अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बने। वाओ कितने यमी लग रही है, चलिए टेस्ट करते हैं। अरे ये क्या समोसा जी, आपने मुझे उठाने क्यों नहीं दिया? अरे ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है हमारे समोसा जी नाराज हो गए हैं। तो अब हम इनसे परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। सॉरी समोसा जी, क्या अब हम आपको ईट कर सकते हैं? ओके अब हमें समोसा जी से परमिशन मिल गई है, तो अब हम इसे ईट करके बताते हैं कि कैसा बना है। ट्रस्ट मी इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ट्रस्ट मी, मैंने इससे पहले कभी ऐसा समोसा नहीं खाया, ये बहुत यमी और डिलीशियस बना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने, बिल्कुल बाहर जैसे जैसे बाहर होते हैं ना क्रिस्पी क्रिस्पी से, बिल्कुल वैसे ही बने। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी मेरी ये वाली रेसिपी। और पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये वाला रेसिपी ब्लॉग पसंद आए तो इसे हिट लाइक करिएगा। मैं लाइक करने का इसलिए बोलती हूँ कि ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सबको ये कौन सी रेसिपी ब्लॉग्स पसंद आते हैं और कौन से नहीं पसंद आते। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि मैं कौन कौन सी न्यू रेसिपीज पे ब्लॉग्स लाऊं अपने। तो चलिए फिर अब हम आज के अपने यमी से इवनिंग स्नैक्स के ब्लॉग को एंड करते हैं। सो आई होप आप सबको मेरी मम्मा की रेसिपीज पसंद आती हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, मैं आप सबके लिए न्यू कंटेंट पर डेली ब्लॉग्स लाती रहूँगी। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप ब्लेसिंग। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।